नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज। मैं अनुजपाल, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों में। लटेरी वन विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां वन विभाग द्वारा 150 नग सागौन के जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। वन माफिया रेंज विभाग को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिससे एक मोटरसाइकिल भी वन विभाग द्वारा जब्त कर ली गई। बड़ी तादाद में सागौन मिलना यानी वन माफिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे, वहीं पूरी खबर क्या है आइए देखते हैं। आज की इस कार्रवाई के वजह से काफी बड़ी मात्रा में लकड़ी बरामद हुई है। आज हम लोग उत्तर और दक्षिण लटेरी का स्टाफ और शमसाबाद से भी कुछ स्टाफ आया हुआ था और सिरोन से भी। आज क्या है, प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना के अवसर पर हम लोग कार्यशाला का एक आयोजन किया गया था, जिसमें चार रेंज का स्टाफ एक कार्यशाला में हम लोग थे और चिन्हांकित तो जो स्थल होता है गिद्ध गणना के लिए हम लोग जंगल में गए थे। वहाँ पर जैसे ही जंगल में पहुँचे, वहाँ पर हमको कुछ हलचल दिखाई दी और कुछ सागौन की चरपट बनाते हुए कुछ माफिया लोग दिखाई दे। हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस की सहायता से हमारे द्वारा वहां से 150 नग के आसपास सागौन की चरपट जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल दबिश में मौके से जब्त की गई है। कुल मिलाकर के लकड़ी